टू यू ऑल, मकसद यही है कि जमींदार फोरमाजी ऐलान करना चाहती है कि हम हर जगह कोशिश करेंगे लड़ने की अपने मैनिफेस्टो पर। उस मैनिफेस्टो को बताने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये बुलाई है। प्रेस मैनिफेस्टो में दो चार बातें जो बड़ी है हमारी, क्योंकि हम ये लड़ाई अब बड़ी जगह एक बड़े प्लेटफार्म पर लड़ना चाहते हैं, जैसा कि DDC इलेक्शन होने वाला है, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और इन्वाइट कर रहे हैं सब जो फार्मर्स हैं हमारे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है फार्मिंग के साथ, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आज आप खुद लड़िए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए, क्योंकि अगर आप कल DDC में इलेक्शन में हिस्सा लोगे तो आगे आओगे तो इस प्लेटफार्म पर हम KCC वे ऑफ जैसी बात कर सकते हैं और उसको गवर्नमेंट से मनवा सकते हैं। पहली हमारी मैनिफेस्टो की बात यही है कि हम अगर हमारा शेयर अच्छा आया पूरी J&K में, तो हम एक बड़ी आवाज़ बनकर पहले हम KCC की बात करेंगे और रखेंगे, और इंशाल्लाह जैसे बाकी स्टेटों में वेव ऑफ हुआ, इंशाल्लाह यहाँ भी होगा। दूसरी हमारी बात ये रहेगी कि जो MSP लागू किया गया है, तो उसमें एप्पल और वॉलनट को भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि हर साल यहाँ सिर्फ जो फार्मिंग से रिलेटेड या एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के रिलेटेड फार्मर्स हैं उनका सिर्फ लॉस हो जाता है। तीसरी बात हमारी ये रहेगी कि अगर मुलाजिम सिर्फ 10 से 4 तक ड्यूटी देकर 60 साल के बाद 10-20 हज़ार की पेंशन ले आता है, तो हम चाहते हैं कि ये फार्मर बिल्कुल 24 घंटे पूरे 60 साल इस फार्मिंग को और इस नेशन को, इस इकोनॉमिक बिल्डिंग इकोनॉमी को देता है और अपनी जवानी को देता है, लास्ट पर उसको मिलने वाला कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि हर महीने उसको पेंशन 6,000 दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो हमने ऑलरेडी जो लड़ाई की थी 6,000 जो आप अभी दे रहे हैं PM किसान में, मगर PM किसान में 6,000 आपको खुद पता है कि आज खर्चा कितना ज़्यादा है और फार्मर का घर कैसे चलेगा। तो इसलिए 60 साल के ऊपर जो भी फार्मर है उनकी एक लड़ाई लड़ी जाएगी कि उनको पर मंथली 6,000 रुपया दिया जाए। और चौथी आपको पता है ये प्रॉस्पेरिटी जो हमारी है, जो डेवलपमेंट सेक्टर है, उस पर भी वर्कआउट करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म ऐसा है, क्योंकि हमारा सफ़र सिर्फ एजुकेशन हमारा हो रहा है, फार्मर्स का हो रहा है, फार्मर्स के बच्चों का हो रहा है, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज और उतने पैसे नहीं होते कि हमारे बच्चे आगे जाकर अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें। तो उसके लिए एक लड़ाई लड़ेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्री हो और एक एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले। और हमने यूथ एम्पावरमेंट के लिए पहले भी काम किया है और अब भी करेंगे, मगर मेन मकसद हमारा ये, जो भी हमारे एजेंडे के तहत, हमारे ज़मींदार फोरम के एजेंडे के तहत, या ज़मींदार फोरम के लोगों के तहत, या ज़मींदार फोरम के मैनिफेस्टो के तहत लड़े पूरे J&K में, उनसे हम एक ही ओथ लेना चाहते हैं कि वो उस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ें जो डिवाइड एंड रूल है, जो प्रॉस्पेरिटी, जो और पीसफुल प्रॉस्पेरिटी और बाकी चीज़ों के खिलाफ है, जो हमें कास्ट और क्रीड पर डिवाइड करना चाहते हैं, जो हमें रीजनल वाइज भी डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे BJP है, RSS है, उन आइडियोलॉजी के खिलाफ उनको लड़ना है, और उस आइडियोलॉजी के खिलाफ भी लड़ना है जो उनका पार्ट एंड पार्सल है, जो डिफरेंटली रोल नीचे करते हैं, जैसे कुछ पार्टियाँ जो LI उनकी हैं उनके खिलाफ लड़ना है। तो और इसको ये भी ओथ लेनी है कि मेरा टाइम बिल्कुल जब आपको ज़रूरत पड़े, जब भी फार्मर्स को ज़रूरत पड़े मेरे टाइम की, मेरे रिसोर्सेज की, वो इस पर इन्वेस्ट करें और अपना टाइम भी इन्वेस्ट करें। बाकी हम चाहते हैं कि हर जगह पार्टिसिपेशन, फार्मर्स के घरों के बच्चे यूथ्स करें।